12 अप्रैल 90 को शाखा स्थापित हुई और इस शाखा में अजय शर्मा की राजद की वाइफ किया जाए सीमा गुप्ता कल जो मैंने कहा था रामनगर वाला किस्सा कि उनके खानदान का एक व्यक्ति यहाँ पर है वो राजेंद्र गुप्ता है। कल 15 पीढ़ी पहले जो रामनगर थे उन्हीं के खानदान का ये गुप्ता है और आप जानते हैं यहाँ मुझे बता देना आवश्यक है आज के लोग नए हैं कि एक मंत्र ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः को उसने कहा था और उसके बल पर वो सर्वोच्च सफलता प्राप्त किया था पूज्य गुरुदेव की कृपा से। और वो सन्यासी जिनका मैंने जिक्र किया था वे और कोई नहीं आपके सामने बैठे हुए पूज्य गुरुदेव ही है। मैं कल इनके घर गया था, वहाँ इनके कार्यालय जो सिद्धार्थ माधव परिवार का कार्यालय है उसको मैंने देखा है और उसमें त्याग में अब जितनी भी क्षमता है मैं इसको ऐसा नहीं कर सकता कि इसमें अथाह क्षमता है मगर जितनी इसमें क्षमता थी उस क्षमता के अनुसार अपने घर का एक कोना एक स्थान एक कमरा सिद्धार्थ माधव परिवार के लिए उस समय तक दिया है जब तक मध्य प्रदेश के लोगों में चेतना नहीं व्याप्त हो जब तक वे अलग सिद्धार्थ माधव परिवार का भवन नहीं बनाए। हम उनका कर्तव्य ढंग से स्वागत करेंगे। उस परिवार के ओर से ये उनकी पुत्री बिरला यहाँ उपस्थित है इसलिए स्वयं भी फूलों से यहाँ पर काफी अच्छे उपलब्ध है। ये बुलेट की उसको बीमार था कल से तभी ठीक है मगर वो चाहता था कि कल मैं जब विदाई लूँ यहाँ से और रायपुर होता हुआ 2:12 जो ट्रेन जाता है तो उनका गुरु जी मुझे 2 मिनट के लिए आप मेरे घर आए तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी इसीलिए वे पति पत्नी घर चले गए मगर मुझे इस मंच पर कुर्रे भी दिखाई दे रहा है उसकी पत्नी भी दिखाई दे रही है और उसकी लड़की भी दिखाई दे रही है। आपकी नजर हम सब पर ऐसी ही मिली रहे चाहे हम जहाँ हो यही आपसे सुरेंद्र भाई ने ही यहाँ पर लाइट माइक वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टिल फोटोग्राफी और इस पूरे शिविर के पंडाल तारपोलिन इस सब की व्यवस्था का जिम्मा इनका ही था इन्होंने ही इसको किया है और इन लोगों ने भी जो जैसे सुनाना और जिन लोगों ने सोचा है इन सभी लोगों ने ये अबेर और उसकी पत्नी शोभा ने दोनों ने ये यहाँ पर कार्य करता रहा और उसने हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि ये इसी प्रकार से सिद्धार्थ की सेवा करते हैं। ये मेरी तरफ से माला शोभा को जाकर पहना देता हूँ। सफलता इसलिए है कि उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके सभी कार्यकर्ता वहाँ काम कर रहे हैं। इनकी सफलता यह है इनकी धन पत्नी श्रीमती ललिता और श्री सुब्बा राव ये लोग मिलकर के सभी कार्यकर्ता मिलकर के वहाँ कार्य कर रहे हैं जैसा कि अभी आपने देखा था निखिल वाणी वाले भी कार्य कर रहे हैं। मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि यह कार्य 500,000 लोग इनके घर में आने लगे रत्न करने के लिए घर हो गया कम मंदिर हो गया ज्यादा गंगा गुरु जी अब क्या मैं इनको सुब्बा राव को आशीर्वाद देता हूँ। उसमें से एक रिकॉर्ड यह भी है पर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद उन्हें इस रूप में प्राप्त हुआ कि 6 मई को 21 किलो का पारदेश्वर शिवलिंग की स्थापना केवल मध्य प्रदेश में हुई भोपाल में हुई और वह सुब्बा राव जी के घर में हुई। वहीं पर 3 वर्षों से पूज्य गुरुदेव की अखंड ज्योति जल रही है और 3 वर्षों से लगातार वहां साधना होती है सभी साधु वहां जाते हैं। अभी इस नवरात्रि में 2% भी ज्यादा है 1.5% ही ज्यादा है इतना ज्यादा नहीं है। अब मैं बीच में एक राकेश यादव है तुम्हारे यहाँ उसको मैं बुला रहा हूँ। राकेश यादव हमारे स्टाफ पर है
और वह इस नवयुग की विशेषता है, उसका परिचय देना इसलिए पूछते हैं कि आपके हाथों जो पत्रिका आई हुई है उसकी कंप्यूटर सेटिंग राकेश यादव दिल्ली में लेके करते हैं। यह भिलाई का विशेष गौरव है कि आपके बीच का यह है बालक, यह है नवयुग। राकेश यादव को ये तो बालक है और पोते की तरह देखा जाए तो, इसलिए और ये पिछले दो तीन चार साल तीन साल से माय स्टाफ में काम, यहाँ में इसलिए बुलाया है कि इसलिए नहीं जोधपुर में या दिल्ली में काम करे, इसलिए कि तुम्हारे भिलाई का रहने वाला है और इसमें वहाँ पर मेरे जैसे आदमी की गुस्से को सहन करता हुआ जो कुछ पत्रिका के लिए कार्य कर रहा है 16 घंटे 18 घंटे, वो वास्तव में छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और पूरे भारतवर्ष में अगर पत्रिका जा रही है तो उसके पीछे 60% इसी का काम है, और इसीलिए मैं आप लोगों की तरफ से भी इसको वजह से आशीर्वाद दे रहा हूँ और पूरी तरह से प्रसन्न रहा हूँ। राकेश यादव के पिता श्री सत्यलाल यादव, जितना भी तुम्हें वहाँ काम कर सकेगा मैं जहाँ से काम कर सकेगा इसके लिए तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। उसके बाद में ये लड़की है जिसने यहाँ गायन किए हैं, अर्जुन शुक्ला, अर्जुन शुक्ला के चरणों से उसे उनके हस्ताक्षर से युक्त एक फोटो और वह पुस्तिका उन्हें प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही प्रभंजा चतुर्वेदी, सुमन रंजय, कपला वैष्णव, विभा चंद्राकर, शारदा चटर्जी, वरला संगीता, विद्युत्ता जी, भोराला जी, श्री साहू, श्री महल, अनेक साथी है और सभी ने यह कार्य किया है। मैं उन सबका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उन्हें भूजदेव का आशीर्वाद उन्हें सबको प्राप्त है। मैं एक बार फिर से सिद्धासन स्वामी परिवार की ओर से उनका अभिनंदन करता हूँ। अब मैं उस विवाह चंद्रा को यहाँ बुला रहा हूँ। हम कपल संस्कृत का स्वागत करेंगे। भौतिक दृष्टि से केवल 7-8 दिन से ही मैं सुपरिचित हूँ और पत्र के द्वारा तो या कॉरेस्पॉन्डेंस के द्वारा तो 4-5 साल से परिचित हूँ, मगर इसमें यहाँ पर एक सिद्धासन स्थापक परिवार की जो PRO है उनकी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर उस रूप में इसने काम किया है। भविष्य में भी ये इसको PRO में नियुक्त करता हूँ, ऐसा ही काम करता हूँ। यह जनसंपर्क अधिकारी विभा का मैं स्वागत करता हूँ, सिद्धासन परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि अब हमारे प्रचार प्रसार में वो कोई कभी उसके ऊपर सिद्धासन परिवार टिका हुआ है। चाहिए कि मुझे बुलाया, क्योंकि अगर मैं आपको बुलाने लगूँ तो है वो जो भी मुझे बताएगा 15-20-25-50-100-200-500-2000 तो बुलाऊंगा, उसमें तो बड़ी बात नहीं है। मगर उन सबको आप लोगों ने जिन लोगों ने काम किया है इस विदाई समारोह के अवसर पर, मैं सभी को हृदय से आशीर्वाद देता हूँ और मैं ऐसा सोचता हूँ कि भविष्य में भी वे सक्रिय कार्य कर सकेंगे और पूर्णता के साथ हमारा कार्य करेंगे। मैं ऐसे आप सबको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। दो तीन बातें आपको पूर्णावती से पहले, एक बात तो यह है कि मैं ये विदाई समारोह कर रहा हूँ और दूसरा ये है कि दिवाली के बाद आप में से जितने भी जो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, चाहे सदस्य हैं, चाहे आपने दीक्षा ली है, चाहे आगंतुक हैं, चाहे दर्शक हैं, वे सभी किसी न किसी रूप में जुड़े हैं मेरे व्यक्तित्व से, गुरुपद से, गुरुत्व से, इसमें कोई दो राय नहीं। उन सब को मैं दीपावली के अवसर पर मैं विशेष कुछ यंत्रों का पूजन करूंगा और जो भी आप आज अभी टाइम मिले और टाइम आपको मिलना चाहिए आज्ञा है कि आप एक पन्ने पर अपना पूरा एड्रेस और नाम और पूरा पता, टेलीफोन नंबर, व्यवसाय
चार चीजें, नाम, पूरा पता, व्यवसाय और टेलीफोन नंबर हो तो टेलीफोन नंबर लिख करके काउंटर पर वो दे दें। जो भी मेरे पास वो स्लिपें आएंगी उन सबको मैं वो यंत्र दीपावली का अवसर सिद्ध करके निःशुल्क भेजूंगा। इसमें कोई मेरी तरफ से ही आपको उपहार होगा। आप स्लिप नहीं दे पाएंगे या नाम नहीं दे पाएंगे तो मेरी जिम्मेवारी हो नहीं। मैंने आपको ये अपने से कह दिया है कि आप उस काउंटर पर अपने नाम और अपना वो सब कुछ दे देंगे, इसमें कोई दूरा नहीं। कल मैंने दूसरी बात आपको कही थी कि आप में से उन पत्रिका के लिए आपको कार्य करना है। मुझे विश्वास है कि आपने अपनी उदारता से, अपने चिंतन से, अपने विचार से जो कुछ कार्य किया होगा वो आपने वहाँ संपन्न नाम लिख करके दे दिया होगा कि हमें इतनी पत्रिकाएं भेजें। मगर फिर मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आप ड्यूटी वाहवाही लेने के लिए ऐसा काम नहीं करें। अगर आप मंगाएं तो फिर उस ड्यूटी को छुड़वाएं। इन सब कार्यालय का खर्च में मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से आप 1000-2000 खर्च करें, चिंता नहीं है। संस्था का कोई भी पैसा व्यर्थ में व्यय नहीं होना चाहिए। वो आपका ही पैसा है, आपका ही ट्रस्ट है, आपके बीच में रहता है, उसको आप उस ढंग से संपन्न कर सकेंगे। और ऐसा ही आप कार्य करें, मुझे आपको ऐसा विश्वास है। और मैं आपको ऐसा आदेश देता हूँ कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो कि संस्था के लिए उचित रहेगा। मैं आपको फिर इस कार्य के लिए आपको हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूँ। अगला अब शिविर केवल शिविर नहीं है। मैंने एक दिन प्रवचन में कहा था कि दीपावली के अवसर पर मैं जोधपुर में कुछ विशिष्ट परिवारों को, विशिष्ट का मतलब और दुस्वभाव, सर का मतलब है गतिशील, एक जगह टिके नहीं, दुस्वभाव का मतलब है चर भी है और स्थिर भी है, और स्थिर का मतलब है कायम रह सके। जैसे कायम रहने वाला जो लग्न है वो वृषभ लग्न है और सिंह लग्न है, पत्रिका मैंने छापा है। तो सिंह लग्न में मैं खुद एक पुरोधा बनकर के, एक ब्राह्मण बनकर के, एक गुरु बनकर के जो भी वहाँ आएंगे, और पत्रिका में उसके बारे में दिया है। आप में से जो भी आना चाहे, आप सबके लिए वो द्वार खुला है। और दीपावली का अवसर पर हम सब एक बार वापिस एक गुरु शिष्य के रूप में एकत्र हो सके, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ और आपको निमंत्रित कर रहा हूँ वहाँ को बुलाने के लिए। और अगली बात ये कि मैं आने वाले दिनों में बहुत कम शिविरों में भाग लूंगा, शायद साल में 2 या 3 या 4 शिविरों में ही भाग लूंगा। मगर जहां पर भी महत्वपूर्ण शिविर का मतलब नहीं बहुत बड़ा या बहुत बड़े शहर में, मुंबई या दिल्ली या कलकत्ता या कानपुर, मद्रास में मतलब नहीं है। ये भी मतलब नहीं 1 लाख 2 लाख 5 लाख वो बड़ा, बड़े का मतलब है जहां बहुत मुझे अपनी साधना से महसूस होगा कि जहां प्यार, स्नेह, अटैचमेंट और अपनत्व का बहुत ज्यादा विशाल अनुभव करूंगा, उन प्रकार के शिविरों में मैं जरूर भाग लूंगा। बाकी बहुत कम शिविरों में मैं भाग लूंगा, ऐसा निर्णय किया है। और भिलाई शिविर में मैंने घोषणा करने की सोची मंडल ये और फिर बता देता हूँ तुम्हारे मानस में क्या शब्द है, क्योंकि ये युग ऐसा है बड़े स्वार्थ बढ़ता चिंतन आ जाता है। न तो ये किताब लगा हो रहा होता तो जैसा कि इसने पूरे जीवन में शायद मुझसे प्रेम के शब्द तो कम सुने होंगे, क्रोध के और डांट फटकार के ज्यादा ही सुने होंगे, क्योंकि आप लोगों तो फिर भी प्रेम है। और ये भी वैसा ही शिष्य है जैसे आप शिष्य है, पर डिफरेंस इतना है कि आप मेरी पत्नी के गर्भ से पैदा नहीं हुए, मेरी पत्नी के गर्भ से पैदा हुआ है। इसके अलावा आप मेरे इसमें कुछ अंतर नहीं है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। मगर जब मैंने पहले ही ये निश्चय कर लिया था कि मैं अब भिलाई और भिलाई को इसको सौभाग्य मानना चाहिए कि मैं उस घोषणा को कर रहा था कि मैं अपना जो कोई उत्तरदायित्व है कि मैं अब शिविरों में भाग नहीं लूंगा, या मैं इसको बता रहा था कि तुम्हें और ये 10-12 लोगों की कमेटी बना करके तुम्हें चलाना है, आप लोगों को सौंप रहा था मैं इसको। मगर इसमें भी बांधने की तरफ से पूरा प्रयास करने का प्रयास किया ये कि किसी प्रकार से ये काम बन जाए। मगर सिद्धाश्रम की भगवती नहीं है कि मां हिमालय में सिद्धाश्रम हो, ऐसी कोई भगवती नहीं है। सिद्धाश्रम तो जहाँ मंत्र सच्चा ऋषि होते हैं, कुछ लोग ऐसे ऋषि होते हैं जो मंत्र पढ़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मंत्रों का निर्माण करते हैं। और मैंने सिद्धाश्रम को जिस ढंग से संवारा है, सजाया है, बनाया है, तैयार किया है,
पर तो सिद्धार्थ स्वामी इस बात को याद कर रहेगा कि शमशान भूमि जैसा था सन्यास मदन मंत्र साहब करे थे, वहाँ खिलाफ दिए, प्रसन्नता दी है, प्रेम दिया है, वहाँ योगियों को एक उत्साह दिया है, वहाँ उन जूझा हूँ, संघर्ष किया है, स्ट्रगल किया है, बताया है कि ऐसा मुर्दा सिद्धार्थ स्वामी नहीं चल सकता, उसके पीछे मुझे कई को बाजू होना पड़ा। अब प्रश्न यहाँ पैदा, आप मुझे फिर घुमा करके बांधने का एक खेल खेल रहे, उसमें लंबी थोड़ी बात नहीं है, मगर मैं आपके खेल को भी सहन कर लूंगा, समझ लूंगा कि ये खेल आपका कैसा है। यदि आप ये कह रहे हैं कि आपका सिद्धार्थ स्वयं चाहे राम किंग करो, चाहे शिव किंग करो, चाहे कृष्ण किंग करो, उन्होंने ऐसा लिख दिया है कि आप सिद्धार्थ स्वयं आ जाइए, मैं फिर ये बता रहा हूँ कि वास्तव में मेरा निश्चय यही था, निश्चय यही है कि मैं आप में दृढ़ संकल्प है नहीं, आप में दृढ़ चिंतन है नहीं, प्यार है, अटैचमेंट है, और उनके प्रति मेरे कर्तव्य है, मेरे जीवन की धनियां हैं, और जीवन का भाग ये तो स्वाभाविक है कि मैं आपके साथ बहुत ज्यादा ज्यादा व्यतीत करूँ, उनका भी एक इच्छा है कि हमारे साथ व्यतीत हो, मगर अब प्रश्न उठा ही है कि हम सिद्धार्थ स्वयं का निर्माण करेंगे और नवीन सिद्धार्थ स्वयं का यह निर्माण कर देंगे, तो मैं तो इस आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ कि आप आपके और इस गुरु के बीच की बात है, मैं तो अब एक थर्ड पार्टी हो गया, बीच में खड़ा हुआ हूँ, या तो इस पार गिरूंगा या इस पार गिरूंगा, एक जगह मुझे जाना है, इसमें खुद हो रहा है, मगर मैं आपकी चुनौती को भी देख लेना चाहता हूँ, यहाँ खड़े हैं कि आप जो भी चुनौती दें आप बनाए सिद्धार्थम, क्योंकि सिद्धार्थम बनाने का मतलब है वैसी सिद्धि होगा झील बनाना, सिद्धार्थम बनाने का मतलब वैसे निर्माण करना, ऐसी भूभाग लेना, और ये सब आज के युग में बड़ा कठिन और व्यय साध्य और श्रम साध्य है, यदि आप उतना श्रम कर सकें, यदि आप उतना व्यय कर सकें, वैसा सिद्धार्थम का एक भौतिक दृष्टि से निर्माण कर सके, तो मैं आध्यात्मिक दृष्टि से तो पूरे सिद्धार्थम को लाके खड़ा कर सकूंगा, ये मेरा वायदा ही कर लीजिए, मगर इसके लिए तो संकल्प शक्ति आपकी जो होगी वो संकल्प शक्ति होगी, अगर भौतिक संकल्प शक्ति होगी तो भौतिक होगी, जन सहयोगी तो जन सहयोगी होगी, ये तो एक प्रश्न उठ गया है, और आपने जो प्रश्न उठाया उसके जवाब मुझे देना ही पड़ेगा, मैं दूंगा ही, न तो मुझे आपकी धन की आकांक्षा है, मेरे पास आप सबसे मिलकर कितनी ज्यादा धन है, मैं इसकी चिंता नहीं करता हूँ, आपसे ज्यादा मुझे सुख है, आपसे ज्यादा मुझे यश है, आपसे ज्यादा प्रसन्नता है, मगर मैं आपकी चुनौती को भी जवाब देना हूँ कि आप यदि ऐसा निश्चय किया है आपने तो आप में से खड़े हों और अपना सहयोग बताइए, आप क्या सहयोग दे रहे हैं, सिद्धार्थ स्वयं का निर्माण करने का मतलब है 1 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जैसे 2 रुपए में जीव बनती नहीं है, 2 रुपए में भवन मात्र बनती नहीं है, ऐसा भूप बंदूक बनता नहीं है, फिर भी आप संकल्प शक्ति के धनी है, आप में ताकत है, क्षमता है, तो आप ऐसा बोलिए, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, सिद्धा मैं ओंकारेश्वर में मैंने बताया था कि मैं पत्रिका का निर्माण करूंगा, और आप में से क्षमता हो तो आप बोलिए कि मैं कंप्यूटराइज सारा काम करूं, मैं प्रण लेना चाह रहा था उन शिष्यों को कि ये केवल होठों से बोल रहे हैं कि मैं क्षमता है, ताकत है, साहस है, पर मैंने शिष्यों में देखा बड़ी क्षमता थी, बड़ी साहस थी, और उन्होंने केवल आधे घंटे में उन परिस्थितियों में मुझे डाल के खड़ा कर दिया जहाँ की मैं उस कंप्यूटराइज पद्धति को और पत्रिका को शुरू कर सकूँ, और मैंने उनके वचनों की रक्षा की है, मैंने उस पत्रिका का प्रसार किया है आपके सामने है, और मैं इस पत्रिका को भी सौंप देना चाहता हूँ, उस काम को सौंप देना चाहता हूँ, अपने जीवन को भी अपने जीवन के ढंग से विकसित कर देना चाहता हूँ, मगर घबरा करके पत्रियों से उस चुनौतियों से विचलित होकर के जाना नहीं चाहता हूँ, ऐसा अपने चेहरे पर अपने कपड़ों में दाग लगा के कि हम आपको रोकना चाहते थे आप चले गए, मैं ऐसा अपनी तरफ से कोई मौका नहीं देना चाहता हूँ, आप में से जो भी चुनौती को स्वीकार करते हैं, जुलाई के चिंतन में कोई चिंतन उठ गया है, मैं तो विचार ही नहीं कर रहा था कि ये प्रश्न मुझे उठाना है या कुछ स्थिति है, मैं तो काम सौंपना चाहता था, मगर विलय की धरती में कोई ऐसा चुंबकीय लोह तत्व है तो आप में से जो भी आप बोले और जिसका सिद्धार्थम लिए जाने मगर वो ही बोले जिनके होठों से बोले और गले से बोले प्राणों से बोले अपने और किसी स्थान से नहीं बोले, मैं बता देता हूँ मैं ऐसे घटिया आप सबसे सुनने के बाध्य नहीं हो कि कल कहें मेरे पास क्या आगे बाध्य हो गया, मैं ऐसे कृतज्ञ नहीं और ओछे शिष्यों को चाहता नहीं, जो कुछ बोले दृढ़ता के साथ बोले, और आपको केवल 1 महीना या 1.5 महीना मिलेगा, 1.5 महीने में आप कर सके तो बोलिए, अन्यथा सबके बीच में तालियां बटोरने की जरूरत नहीं है, और मैं ऐसा घटिया सुनना चाहता हूँ, जो भी आप इकट्ठा करना चाहे आप करिए, फंड इकट्ठा करिए, मैं सिद्धार्थम बना देता हूँ, देख लेता हूँ आपने भाव में, और प्रत्येक व्यक्ति 5,000 से कम में तो बोलता नहीं हूँ, और 1 लाख से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप बोलिए, मैं सुनता हूँ आपकी बात, कितनी क्षमता है, कितनी कर्मठता है, मैं सुन लेना चाहता हूँ आप, चलिए आप करिए, क्या करते हैं।